Hey guys, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and CBK. Okay, today guys, we're watching Slay Point and it's Dangerous Attitudes, Boys of Social Media. It's like a mouthful, that title is Dangerous Attitudes, Boys of Social Media. Okay. Don't know what it's about, but we're going to just check it out. Instagram, jisko kholte youth ka future dikhna band ho jata hai. डार्क मोड करते करते पूरे जनरेशन पे अंधेरा छा गया। ये सब पढ़ के ये डिक्शनरी भी वापस ऑक्सफोर्ड भाग गई। इंस्टाग्राम बायो, जहाँ खुद के बारे में बताना होता है, जैसे हमारा बस यूट्यूबर, क्योंकि और कुछ बताने लायक किया नहीं है लाइफ पर। इनका मॉडल पर्सन, डेंजर सिंगर, स्टाइलो बॉय, हार्ट हैकर मुंडा, जो पड़ोसी का वाईफाई हैक करने का ट्यूटोरियल ढूंढते हो, वो अब दिल हैक करेंगे। ये देखो, जेम्स के पैकेट में नहीं दिखते इतने रंग। 10% स्टूपिड, 20% ईगो, 100% क्यूट, 50% इनसेन। स्कूल कॉलेज छोड़ो, ये रिपोर्ट कार्ड माँ बाप ने देख लिया ना, तो घर में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। गले में सोना, माँ के कंगन खा गया क्या हलवे। एग्जाम में जिनकी इंग्लिश भी कोरियन लगती थी, वो बायो कर्सिव में वेलकम टू माय प्रोफाइल। इतने प्यार से कभी घर पे भी वेलकम कर लिया था। और ये यार, इन अक्षरों की तो भाई वैक्सिंग कराओ तुम पहले। पढ़, इन बालों के पीछे का कुछ दिखे तो समझ आए, इतने जंगली मेरे पैर नहीं लगते। इसी बाल स्वाइप के चक्कर में एक ने डैड को डेड लिख दिया, यूरो जो यूज करना था। ये देखो इंस्टाग्राम को नोटबुक का लास्ट पेज बना दिया है। बड़े बड़े जंग लगता है इसके सिंगल पने पे, तो कीड़े पड़ गए। हिट मारो ये हर लेके आओ, ब्लैक लग। अच्छा सुन, काला हिट लाना, जिसके लिए हमें चप्पल पड़ते हैं, वो इनका शो ऑफ है। जिद्दी बॉय, हुक्का लवर, अरे मैं नहीं, वो ब्रांडेड कमीना, ओ ब्रांडेड कमीना, मैं ब्रांडेड कमीना। नेम, नाम को नहीं मालूम। ये बड़ा यूनिक नाम है यार, क्या ग्रेट है माँ बाप। तुम्हें 3-4 अभ्युदय मिल जाएंगे, पर कोई हमको नहीं मालूम नहीं मिलना कभी। एडुकेशन, काम देगी, एज, शादी करेगी। वो एडल्ट मूवी की टिकट देना। आपकी एज, शादी करेगी। 12 साल के लग रहे हो, ये लो छोटा भीम की टिकट। नेम, एज, ब्ला 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 ब्ला। बायो नो नीड, पूरे रास्ते में मूत के बोल रहे हो। टॉयलेट नो नीड। फिर ये पब्लिक फिगर कहते हैं, टू मेक ड्रीम्स कम ट्रू। आगे का भाषण उसके उल्टी में बह गया, सॉरी। स्क्रैच हियर टू अनवील माय सीक्रेट बायो। साले पक्का तेरी स्क्रीन रिपेयर की दुकान है ना अंधेरी स्टेशन पे। मैं नहीं फंस रहा तुम्हारी मार्केटिंग में। डू नॉट टच माय प्रोफाइल, इसीलिए तो फॉलोअर नहीं बढ़ रहे। हाँ तो कितने लेते हैं आप स्क्रीन ठीक करने के। अंधेरी स्टेशन आना ना, बस आ गया। टिकटॉक जर्नी स्टार्ट, ये ऐसे एयरपोर्ट पे जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ कोई फ्लाइट ही नहीं आती। सिंगल लाइफ इज भूत, तो हम तो पूरा हॉरर मूवी में रह रहे हैं। आई लाइक इट सड, एसडी कार्ड, माय फेवरेट नेहा ककककर। मैं हूँ सुष्मिता और आज है हमारी सब नेहा ककककर। जिल्मन, अरे हिंदी में लिख लो भाई। अभी ने जो जो चीजें पसंद है सब लिख देंगे। चॉकलेट लवर, एटीट्यूड लवर, केटीएम लवर, आंटी, ए छी, सीक्रेट रखो ना कुछ चीजें। यूपीएस ई लवर, किसी से प्यार करने से पहले उसका नाम तो सही जान ले मनुज। और एग्जाम से प्यार, मतलब डिप्रेसिंग से एग्जाम को भी लवर मिल गए पर हमें नहीं। क्या इतना बुरा हूं मैं। हाँ है, ये तो लिरिक्स में नहीं था। DSLR लवर, कैमरा का दीवाना, लव टू फ्लर्ट विद कैमरा। हाय हाय तेरी नशीली लेंस, ये लचीली कमर, शुगर फ्री के डब्बे वाला फिगर, पहन लिया माला, हो गई शादी। अबे आज का अखबार लिख दिया। 2 मार्क के आंसर के लिए 10 पेज कौन भरता है। पूरा इसमें खुद ने नहीं पढ़ा होगा आज तक। साल में 5 वर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स में निकला था बाहर। एक मैकेनिकल इंजीनियर जो CA फाइनल दे रहा है ताकि सिविल इंजीनियर बन सके। इतना कंफ्यूज करके दिखा नोलन दादा। माय हार्ट इब लॉक्ड की इब विद यू। मुझे, मैंने तो खो दी यार। एक सेकंड, चाबी वाले दीदी, इसके दिल की चाबी बनानी है। दिल की चाबी, यहाँ लॉकडाउन में धंधा नहीं चल रहा, तुम्हें सड़क छाप रोमांस की पड़ी, निकले यहाँ से। एक तरफ एक्चुअल गुंडे छुप रहे और यहाँ लफंगे कूल लगने के लिए खुद को ही क्रिमिनल बता रहे। 302 लवर, लड़की रहती है वहाँ। पनिशमेंट टू मर्डर,
अरे मुझे मार के पनिशमेंट लोगे तो बड़ा फुद्दू लगेगा। अब गौतमी को मार दो। मुझे क्यों? हाँ इसको मार दो। किलर, शूट आउट किलर। पुलिस को ये खबर देने के पैसे मिलते हैं ना? मम्मी हम अमीर हो गए। अब इन्होंने ना बचपन में कुछ अलग ही पढ़ा था। तो बच्चों जन्मदिन को इंग्लिश में कहते हैं मैम बोलो कैट मर्डर डे। केक मर्डर, केक किल, केक मर्डर और एक एनकाउंटर किया, मजे आ गए। आपके बर्थडे पे भी इस बार दो किल तो पक्के। हेलो पुलिस, देखो केक काटते ऐसे ऐसे कौन मर्डर कर रहा है बताना सर। अरे गुदगुदी हो रही है, हर बार इनके दिमाग में बर्थडे ऑटो करेक्ट होके कुछ और ही बन जाता है। बलून्स बस्टेड ऑन। ये 29th अक्टूबर वाले ना होते ही चोमू। बर्थडे ब्लास्ट, लिटरली तबाही मचा दी भाई इस बार तो। यही खत्म। विश मी ऑन, पर क्या विश करना है? ये हैप्पी भाई दूज। I don't know some more people put that after some. Party cancer, भाई दूज आज भाई दूज। Landed on Earth, हाँ जादू तुम स्पेसशिप के पेट से निकले हो ना? Kick me on. बढ़िया बर्थडे जा रहा है। Grand end. हाँ इसके लिए हॉस्पिटल में हाथी घोड़े आए थे और नर्स भोपू बजा रही थी। First flirt to nurse. I should have that one. नर्स के हाथों में हग देने को फ्लर्टिंग नहीं कहते। हम आज तक फ्लर्टिंग नहीं सीख पाए और ये पेट में ही सीख गया था। अब बायो लिखा नहीं जाता तो अकाउंट का नाम यूजर नेम सिंपल रख लो ना। दिलों का सहजादा, दिलों का लुटेरा, दिलों का रईस, दिलों का हैकर, दिलों का शूटर। नहीं किसके दिलों का, खुले में कौन रखना अपना दिल जो इतने हाथ से हो रहे हैं और बाकी ऑर्गन्स की इज्जत नहीं है? किडनी का सहजादा, इंटेस्टाइन लुटेरा कोई क्यों नहीं है? खंजले बहुत है। तो फॉलोअर आके खुजा के दे, बीटेक्स मलम रगड़ दू। हमें क्यों बता रहे हो? गलती मेरी, पिटेगा तू। मेरे छोटे भाई का अकाउंट तो नहीं है ये? तेरा बाप, तेरे बाप का बाप, तेरे बाप का जमाई, असली माँ। मुझे मेरा असली परिवार मिल गया। किलर आ गया बदला लेने। तेरा भाई, रियल भाई, मतलब ये घर वाला तो बस ठग रहा है ना जायदाद में हिस्से के लिए। अब इनके लिए बायो और यूजर नेम काफी नहीं थे तो ये कैप्शन में भी शेक्सपियर बनेंगे। आई डोंट हैव अ बैड हैंडराइटिंग, आई हैव माय ओन फॉन्ट। तो इस फॉन्ट का नाम तू बता है कैप्शन किसका है? Looking left because I'm Mr. Right. कैप्शन? ये तो कल मैंने किसी ऑटो के पीछे पढ़ा था। प्रोफेशनल ऑटो कैप्शन चोर मिस्टर कार्तिक आर्यन। बॉलीवुड स्टार्स भी सेंस बना नहीं पा रहे इंस्टा पे। What can be more contagious than a smile? इनको 6 महीना और लॉकडाउन में रखो, शायद तब जवाब मिल जाए। Don't study me, you won't graduate. हम किताब नहीं पढ़ते, आपको क्या पढ़ेंगे? इतनी बड़ी स्टार मासूम से अंकल से कैप्शन चुरा रही है। और आई एम कोमल झा .com से कोमल झा ने खुद ऐसे कैप्शन लिखना बंद कर दिया है। अरे उसकी वेबसाइट तक बंद हो गई। क्या बात, आज रात ओहो राइमिंग स्टार किड्स गॉट टैलेंट। दिखिए अपने फैमिली के साथ, डोंट गो एनीवेयर, डोंट यूज योर हाथ, हाथ नहीं ठीक है फिर पैर से करूंगा अनफॉलो। Abhidra has been in my life for many years. Abhidra has been in my life for many years. हमको नहीं मालूम। Protect your peace of mind. हाँ छोटे टुकड़े को तो बचाना ही पड़ेगा वरना ऐसे ही गलत स्पेलिंग लिखते रहेंगे और दोस्तों के भेजे हुए WhatsApp मैसेज भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। बेस्ट है चंकी पांडे स्ट्रेटजी, फिक्स्ड कैप्शन फॉर्मूला। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 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 दिवाली, हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी 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 बर्थडे माय डियरेस्ट टकलू। वो टकले है भी नहीं। आज इंस्टा पे पोस्ट करने का मन कर रहा है यार, किसी का तो बर्थडे होगा नहीं तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विश कर देता हूं। तो इतना सब देखने के बाद हमने अपना बायो कर दिया है। सूजन के चेले, यूट्यूब के दीवाने, डॉक्टर सो और पिछवाड़े ऑन, 3 मिलियन सिंगलों की टोली, फेफड़ा हैकर्स। और अगर आपने भी कभी केक मर्डर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। लॉग इन इन दिस वर्ल्ड, 4 पासवर्ड तो याद रखे नहीं जाते, दुनिया में लॉग इन करेंगे। So it's there's so many people out there who like to put their birthday on social media, and it is exactly that: cake murdered, landed on Earth on this date, and there's another. What was the other one that you mentioned? It's the only one. Is it? Why do people do this? Why?
cake murdered, and then they have their date that they're probably think it's cool. It's so lame. It took me a bit to get into it, not because of their fault. I was just like watching it. Like, I was more not with their jokes. Their jokes were fine. When I was looking at it, I was just like amazed with this kind of stuff that people write. So I was looking at it, I was there going, you don't really? Because I don't go on Instagram. I saw the Instagram stuff. Yeah, I'm not really. Unless you want to put something up for football, about football, then it's me who does both mine and Magic Flicks. So I get to see all the names and stuff, and I'm like, sometimes I'm like, what auntie lover? I don't go on Insta that much, so I don't read people's profiles. And if I have gone on anyone's Insta, it is normally big celebs or something, or sports athletes and all team stuff, and they don't write things like that. Not at all. So when that started, I was more or less going, So they were talking and joking, and I was like getting lost in what they were saying, and like said, no fault to them. I was more or less going, oh my god, what are they writing? What is that? But then as it got through, I ended up like, I couldn't just stop myself laughing then afterwards. I just found them really good. This was probably one of my favourite ones that I saw. And for the way that they presented how what people are writing and stuff like that, I'm still a bit like, wow. The people have these dumb names. It's like, ID Duck. What? Why? And then you go on then. It's always got the cake murder or landed on Earth or... There's so many silly names. I did like the balloon popping day. You did. Well, I wouldn't call it balloon puppy. That was just like kind of a happy balloon day. Why? Because you have balloons out on your birthday. It's stupid. Depends what kind of balloons you like. This is where I knew. I'm just saying. I knew for a fact you would never like. Oh my god! Why wouldn't I like balloons? I like balloons. Okay. Love balloons. Jesus, can't. You know what I mean? Everyone loves them. Would I offend people if all different colours? Yeah. No, you're not going to say anyone's names. No really titles. Especially no. Especially the ones who inbox me no. and say some dumb no. stuff. No. And I just... No. I don't no. even... No. Do you think they actually changed their profile and left it the way they have? I don't know. But I have to check it out. I have to check it out. But they were good. They were, They're really funny. And like I said, I'm still... As you can see, I'm still in my head. It's like, oh my God, I can't believe... People... Yeah. He doesn't have time for Instagram, so he wouldn't have a clue. I see it all. I'm like, what the hell? I actually, just for fun, I have to. When I see a funny name, I'm like, well, hold on, let's have a look at the profile, and that's it. It just makes it. You understand why people. So if anyone's looking at your profile, it's actually Sri. Yeah. And if you've got a dodgy name, I'm going to check your profile. And if you guys haven't got a picture or you got something rude or this and the other, Sri's the one. I block you. Sri's the one who's been blocking everyone, it's not me. Someone's got a dirty ass name, someone's got a dirty ass photo, someone's got stupid in their bio, or if someone's just got dirty ass, then people have pictures of their ass. People have pictures of Auntie G's with saris on, with just they've got this fetish about Auntie G's. Really, honestly, old women showing their. Are those the ones that are called auntie lovers? I want to vomit, and they're blocked straight away. Are they the auntie lovers? Those auntie lovers have their profile private, so you don't see it. But some auntie lovers just have it on show for everyone, and I'm surprised. They want to tell the world that they love their auntie. It's like so that. Gross, the things you have to see. As soon as I see someone follow, and then, you know, and it's just, yeah, I think, okay, well, that's not happening. Anyway, there you go. As you can see, I enjoyed it, but I'm slightly shocked and surprised. Not. But Sri isn't, so we're going to leave it at that anyway. Yeah. You guys let us know what you guys got written on your Instagrams. What things, the weirdest things that you have read on other people's Instagrams, that should be interesting. Because you lot might not want to write what you guys have on your own, but I'm sure that you lot will be happy to put what's on other people's, the weirdest stuff. Anyway, that was the video, guys. Let us know what you guys thought. Make sure you click on the subscribe button and the like button. And as always, share it with people you know, and we'll see you in the next one. See you guys. Take care. See you soon. Bye.